हाय फ्रेंड्स, मिक्स एरोमेटिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ सेफ शुभेंदु। मैं आज आ गया हूँ फिर एक नया रेसिपी लेके, वो है उड़द दाल का बड़ी और आलू और परवल देके फिश करी। फिर चलिए उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। ये मैं आधा किलो फिश लिया हूँ, इसको मैं हल्दी और नमक से मैरिनेशन करके रखा हूँ। इसको मैं थोड़ा ऑयल से फ्राई कर लूँगा, डीप फ्राई। उसके लिए मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले रहा हूँ और इसी में मेरा मैरिनेशन किया हुआ फिश को छोड़ दे रहा हूँ। इस टाइम स्टार्टिंग में ऑयल को थोड़ा हीट रखने का, हीट इसलिए रखने का, हीट रहने से क्या होगा, आपका फिश कढ़ाई पे पकड़ेगा नहीं। ये मेरा फिश एक साइड फ्राई करके हो गया है। इसको मैं धीरे धीरे से हल्का हाथों से मैं इसको एक एक करके पलटी कर ले रहा हूँ, जैसे दूसरा साइड भी पक जाए। देखिए मेरा एक साइड ब्राउन ब्राउन कलर हो गया और दूसरा साइड भी ऐसा ही कलर आने दूंगा। ये फिश मेरा फ्राई करके हो गया है और मैं इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए मैं चार परवल लिया हूँ और दो में आलू ले रहा हूँ। इसको पहले मैं पील कर लूँगा, ये परवल को पहले ये सके कि पील कर ले रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा जस्ट पील कर लेने का। अब मैं इसको काट ले रहा हूँ ऐसे, परवल को एक परवल को तीन या चार टुकड़े में ऐसे करके काट लेने का और आलू को ऐसे लंबा लंबा थोड़ा काट लेने का। ये सारे को एक साथ ले लिया हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको मैरिनेशन कर ले रहा हूँ और इसको थोड़ा उछल उछल के मैं अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। और ये फिश फ्राई करके जो ऑयल मेरा बचा हुआ था उसी में मैं परवल और आलू को फ्राई कर लूँगा। पहले मैं ये परवल को हल्का सा फ्राई कर ले रहा हूँ, अब इसके बाद मैं इसी में इसका साथ ही आलू को भी डाल दे रहा हूँ। इस टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखने का, एकदम स्लो गैस में इसको पका लेने का। देखिए मेरा ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में आलू और परवल को धीरे धीरे से निकाल ले रहा हूँ और ये बनाते बनाते मैं थोड़ा मिर्चा रेडी करके रखा हूँ ग्रेवी के लिए। ये मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा गार्लिक पेस्ट, ये थोड़ा जिंजर पेस्ट लिया हूँ और ये थोड़ा सा टोमेटो को थोड़ा बड़ा बड़ा करके काट लिया हूँ। देखिए और मैं ये लिया हूँ थोड़ा सा ऑनियन, इसको पतला जुलियन काट लिया हूँ। ये थोड़ा सा मेरा टोमेटो चॉप, इसी को देखे मैं ग्रेवी बनाने वाला हूँ। ये कढ़ाई पे मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया हूँ। इसमें मैं पहले ये जो उड़द दाल का बोरी है इसको मैं पहले फ्राई कर ले रहा हूँ। इसको जस्ट हल्का सा ब्राउन कलर आने दूंगा, उसके बाद इस ये बॉडी को मैं उठा लूँगा। ये कलर आ गया, अब मैं इसको उठा ले रहा हूँ। ये उठा के हो गया। अब मैं इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पहले थोड़ा सा मैं शुगर डाल दे रहा हूँ और डाल दे रहा हूँ मैं एक ड्राई चिली को तोड़ के डाल दे रहा हूँ और एक तेज पत्ता को तोड़ के मैं इसमें डाल दे रहा हूँ ऑयल पे। अब मैं डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा पाँच फुटन फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें जो कटा हुआ मेरा ओनियन है उसको मैं डाल दे रहा हूँ। ये ओनियन को अच्छे से थोड़ा भून लेने का, जब तक ना ब्राउन ना हो जाए तब तक भूनते रहने का। और इसको पकाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रहा हूँ, जैसे जल्दी ओनियन पक जाए। ये देखिए मेरा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है ओनियन। अब मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डाल दे रहा हूँ और डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, इसको भी थोड़ा अच्छे से मैं भून ले रहा हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया हूँ और थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ मैं धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर मेरा डाल के हो गए। अब मैं डाल दे रहा हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा स्पाइसी के लिए मैं थोड़ा सा स्पाइसी चिली पाउडर डाल रहा हूँ।
अब मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रहा हूँ, इसको मसाले को थोड़ा अच्छे से भून ले रहा हूँ। अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ मेरा चॉप किया हुआ टोमेटो, इसको भी थोड़ा अच्छे से भून लेने का, जैसे इसका कच्चापन हट जाए और हल्का हल्का मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा पानी, जैसे मसाला अच्छे से खुल जाए और मसाला अच्छे से पक भी जाए। देखिए मसाला से ऑयल छोड़ गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल दे रहा हूँ और इसमें कलर के लिए मैं थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर डाल रहा हूँ। बस इसको भून लिया हूँ मैं अच्छे से। अब मैं जो परवल और आलू को फ्राई करके रखा था उसको मैं डाल के अच्छे से मैं इसको भून दे रहा हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहा हूँ। ये जो पानी है आप लोगों का हिसाब से डालिए, जैसे ग्रेवी चाहिए उसका हिसाब से आप लोग पानी डालिए। अब मैं इसमें जो मैं बड़ा बड़ा काट के रखा था टोमेटो उसको मैं डाल दे रहा हूँ। बस अब मैं और थोड़ा पानी डाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्रेवी थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं और थोड़ा पानी डाल दिया हूँ। ये देखिए ग्रेवी में मेरा उबाल आ गया है। अब मैं जो फिश फ्राई करके रखा हूँ उसको एक एक करके मैं सारे फिश को ये ग्रेवी में छोड़ दे रहा हूँ। और ये फिश छोड़ने के बाद ये ग्रेवी को 8 से 10 मिनट मैं इसको उबालने दूंगा, जैसे फिश का अंदर ग्रेवी अच्छे से सोख हो जाए और ग्रेवी में भी फिश का टेस्ट अच्छे से आ जाए। इसलिए मैं इसको 8 से 10 मिनट ऐसे स्लो फ्लेम में उबालने दूंगा। ये देखिए मेरा फिश करी रेडी हो गया है। आप लोग इसको रोटी या राइस किसी के साथ भी ले सकते हो। फ्री फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, जो लोग मेरा चैनल पे नए हो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर सुस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।